हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब, कमेंट में बताना। और मम्मी पीछे, मम्मी का हाथ कट कट गया। हाँ मम्मी सैड, मम्मी कल मम्मी का हाथ कट गया बहुत ज्यादा। कल मम्मी काट रही थी गोभी, तो गोभी में कट गया हाथ, चक्कू बहुत भारी थी काम पे मतलब। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज हम कुछ ट्राई करेंगे कुछ करने का, क्योंकि हैलोवीन आ रहा है ना, तो हम सोच रहे कुछ उसके आर्यन कुछ ट्राई करने को कर रहा है, तो अगर ट्राई हो पाया तो करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहो मेरे व्लॉग में। हमारा मेकअप चल रहा है हैलोवीन का, जो कि आर्यन कर रहे हैं। पक्की चुड़ैल आज मैं बन के दिखाऊंगी, एकदम भयानक वाली, आप डर जाएंगे। ठीक है, लिए स्ट्रगल चल रहा है, हाथ दांत लगा रहे हैं। पागल चलो। वीडियो का एंड, चलो गाइस हमने वीडियो शूट कर ली और बहुत ही गंदी चुड़ैल थी जो खुद ही डर जाती है। बताओ, इसने मेरा साथ दिया है, बढ़िया वीडियो शूट किया हमने, बहुत जल्द आएगी तो देखना और बताना कैसी लगी हमारी और इसकी एक्टिंग। मतलब कोशिश की हमने कुछ नया ट्राई करने की, क्योंकि आपकी एक डिमांड थी कि कुछ नया ट्राई करो। वैसे चुड़ैल कैसी लग रही है बताना जरूर, खतरनाक। बाकी तो एक्टिंग आप देख लोगे। दो दो दांत थे ना, वो दांत बहुत मुश्किल थे लगाना। तो चलिए गाइस, अब ये रिमूव करते फिर आपको मिलते हैं। ओके चलिए गाइस, खाना खाते उसके बाद आपको मिलते हैं। थक गए बनाते बनाते हम लोग, रिमूव कर दिया मैंने मेकअप। सो गाइस वेलकम। अब सोच रहे हो वेलकम क्यों करी, वेलकम इसलिए करी हूँ कि क्योंकि गाइस खाना खाने के बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया। देखो अभी भी मेकओवर वाला वो सिस्टम जो हमने मतलब जुगाड़ से किया था, ऐसे कोई मेकओवर नहीं किया था, आर्यन ने किया था, मैं ये बता दूँ। तो हमने कुछ जुगाड़ से कुछ ट्राई किया, समथिंग न्यू आप लोगों के डिमांड पर। होप आपको अच्छा लगे। और यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी मतलब एडवाइस दी कि हाँ अरे तू कैल्शियम की कमी हो सकती, कैल्शियम कैल्शियम ज़्यादा कर, तो यही आया कि कैल्शियम की कमी हो गई। किसी ने कहा विटामिन डी की कमी होगी, धूप नहीं लेती, धूप नहीं यार, धूप तो हमारे यहाँ बहुत आती है, और मतलब गर्मियों में धूप कैसे यार कोई ले सकता है, धूप तो मैं बहुत लेती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब जैसे सिम्टम बताए तो उस हिसाब से आप चीज़ें बता रहे हो, चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ, होगा यार। क्योंकि मैं अभी भी मतलब मैं पूजा करने बैठती हूँ, कुछ भी करने बैठती हूँ, चलते फिरते मेरे मतलब थाइज़ में दर्द होता है, ऐसे घुटने मोड़ के बैठती हूँ तो मेरा मन करता है ऐसे फैला लूँ, ऐसे दर्द होता है। तो हाँ यार, फिर अगर कैल्शियम की कमी है तो हम पता करेंगे। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मतलब मुझे इतनी कमियाँ हैं तो मैं इतनी मोटी कैसे हूँ, फिर मेरा पेट कैसे ज़्यादा निकल आया, हो सकता मतलब वो कमी अलग चीज़। और दूसरी मेरी एक और प्रॉब्लम है, वो मैं अपने लेडीज़ डॉक्टर को दिखाऊँगी तो वो मुझे बताएंगी कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है, तो उनको बताना पड़ेगा, तब वो अच्छी राय देंगी, क्योंकि बताना ज़रूरी भी है, क्योंकि
इससे पहले ज़्यादा प्रॉब्लम हो इससे पहले आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए चीज़ें, तो हो सकता क्या ही दिक्कत है, मतलब बॉडी इस तरीके से वर्क नहीं करेगी और इस तरीके से मतलब अजीब सा पेन होता रहता है बॉडी में। उठ के काम तो करती हूँ, ऐसा नहीं काम नहीं करती यार, सोने का मन नहीं करता। ये आपने किसने कह दिया, किसी ने बोला कि सोने का ज़्यादा मन करता, नहीं सोने का मन नहीं करता, सोती बस एक ही बार हूँ रात में, दिन में सो गई आंखें बंद हो जाएंगी मेरी लेकिन मुझे नींद नहीं आती। आंखें बंद रहती, जैसे आंखें बंद रहती माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, आंखें बंद समझ लो ना, आंखें भी बंद है और नींद भी नहीं आ रही, ये माइंड में मतलब सब कुछ चलता रहता, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये सब पता रहता है, बस आंखें बंद रहती हैं, ये होता है। बाकी मैं सोती रात में ही हूँ और रात में फ़ोन चलाते चलाते नींद आ जाती है मुझे, थोड़ी देर चलाऊंगी फ़ोन वगैरह उसके बाद सो जाऊंगी। सुबह उठ जाती हूँ 7-8 बजे, नींद मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है कि नींद आती, हाँ मतलब ये है कि मुझे जम्हाई बहुत ज़्यादा आती हैं, क्यों ये भी एक रीज़न मैं जानना चाहूँगी कि मतलब जब जम्हाई आती ना तो इंसान को ये लगता होगा कि इसको पक्का नींद आ रही, बट मुझे नींद नहीं आती, जैसे मैं बैठी हूँ बैठे बैठे जम्हाई आएंगी, जम्हाई ही आया करेगी, पता नहीं ऐसा क्यों होता, मतलब ये सब क्या रीज़न है, किस चीज़ के सिम्टम है कि सामने वाले को यही लगेगा ना इतनी जम्हाई ले रही, नींद ही आ रही होगी, नींद ही आ रही होगी इसको, बट ऐसा नहीं है, मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं। थैंक यू सो मच कि आप यार इतनी मेरी केयर करते हो, इतने अच्छे अच्छे मतलब बताते हो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हाँ हम बहुत जल्दी दिखाएंगे। और एक बहुत बड़ी मेरी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उससे मैं जूझ लूँ, मतलब वो प्रॉब्लम भी है और सल्यूशन भी है, तो माइंड ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मतलब क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है और हमें चाहिए भी बेस्ट चीज़ मैं करूं, तो देखो क्या होता है। और दूसरा ये कि शूट्स मतलब शूट करने का मन कर रहा बट लिपस्टिक में बहुत कंफ्यूज थी, तो फिर मैंने फाइनली कैसे ना कैसे ऑनलाइन देख के मैंने लैक्मे की एक ऑर्डर कर दी है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाए क्योंकि मैंने बहुत टफेस्ट मतलब एक मैं बहुत ज़्यादा मतलब लिपस्टिक शेड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि हाँ ये शेड मेरे पे बेस्ट लगेगा, ये कौन सा बेस्ट लगेगा। फाइनली मैंने कुछ सोच साझ के एक लिपस्टिक अभी के लिए ऑर्डर की है कि मतलब आ जाए वो मेरे होठों पे खिले, जब मैं लगाऊँ तो ऐसे मैं हंसूँ तो प्यारी सी लगे, अच्छी लगे मतलब देखने में, मतलब शेड कुछ अलग ना लगे, वो पसंद आए सबको और मुझे खास कर पसंद आए, सबका तो पता नहीं, मुझे अच्छी लगनी चाहिए मेरे फेस पे कि हाँ ये मेरे स्किन टू स्किन मैच कर रही है, अच्छी लग रही है। करवा आ रहा है तो मुझे करवा चौथ के हिसाब से कुछ रील्स शूट करनी, तो मुझे पूजा की थाली चलनी वगैरह चाहिए थी। अब मैं सोच रही हूँ यार वो क्या करूँगी मैं लेके, मेरे यहाँ तो कोई यूज़ करता नहीं है तो मैं क्या करूँगी लेके, बट देखते हैं क्या कुछ मैनेज होता है तो मैं हाँ आपको बताती हूँ। चलिए गाइज इतनी बकवास मैंने कर दी, चलिए बर्तन वर्तन धुलते हैं चल के। मम्मी के हाथ में चोट लगी, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था मम्मी का हाथ कट गया, बहुत ज़्यादा कट गया मतलब, तो कुछ काम नहीं कर पा रही है, कोई बात नहीं हम धुल लेंगे बर्तन। और हमारे घर में सफाई भी करनी यार, एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि दिवाली बहुत बहुत जल्दी, हमने सोचा कि हाँ हो जाएगा सब, लेकिन नहीं, 10 तारीख को धनतेरस है, 12 तारीख को दिवाली है, यानी कि हमारे पास 7-8 दिन जो ही बचे हैं उसी में सब करना। और मैं लाइव भी करती हूँ शाम के टाइम में, और सफाई में ना पूरा दिन निकल जाता, थक जाओ, फिर मन नहीं करता कि 2 घंटे बैठ के लाइव में बैठो, बट होप सो हम सब कुछ मैनेज करें और आपको भी दिखाएं सब कुछ कैसे क्या करते हैं। ओके मिलते हैं आपको कुछ देर में, बाय। देखिए किचन के हालात क्या हो रखे हैं, चलिए खाना वाना खाली करते हैं, बर्तन लगाते हैं, फिर चलिए बर्तन तो धुलते हैं, चाय बनाते हैं, फिर आपको मिलते हैं, बाय बाय। चाय बन चुकी है और चाय छत पे पी रहे हैं इसलिए छत का नज़ारा, विद बिस्कुट, ये हम पूरा बिस्किट नहीं खाएंगे, और ये हमेशा की तरह चाय ज़्यादा पी रहा, देखिए। सो गाइज सॉरी, सबसे पहले तो सॉरी, अब आप सोच रहे होंगे सॉरी क्यों बोल रही, क्योंकि देखिए मैंने चाय पी थी, चाय पीने के बाद हम नीचे आए, हमने खाना बनाया, आजकल हम खाना जल्दी बना लेते क्योंकि हमें अपना काम करना होता शाम के टाइम में, इस वजह से खाना बनाया, जल्दी जल्दी खा भी लिया, आपको दिखाना भी भूल गई कि आज मैंने भिंडी रोटी की सब्ज़ी बनाई थी, खा ली, बहुत जल्दी खाना खाया था, अब 10 बज रहा तो मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही, लेकिन अब कुछ है भी नहीं खाने वाला। तो गाइज़
इसी जगह पे व्लॉग एंड करेंगे। मैंने बर्तन भी धुल लिए, सारा काम कर लिया, क्योंकि मम्मी के हाथों में दर्द है ना, तो मैं नहीं चाहती मम्मी कोई काम करे, इसलिए हमने कर लिया। सो गाइस अब इसी जगह पे व्लॉग एंड करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हेलोवीन मेकअप और एक्टिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैंने शॉर्ट वीडियो तो डाल ही दिया, तो आप पहले शॉर्ट देखोगे उसके बाद व्लॉग देखोगे। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।